बोना फ्रैक्चर, ठीक है, इतना याद कर लो। ये है शॉर्ट PFN, ठीक है, शॉर्ट प्रॉक्सिमल फीमोरल नेल, ठीक है, लॉन्ग भी आता है, ये शॉर्ट वाला है। कैसे बताओगे, इसमें 240 मिलीमीटर का होता है, ठीक है, और एक आता है 180 मिलीमीटर का, वो होता है प्रोगेंटरिक फिक्सेशन PFN, ठीक है। ये तुम्हारा 8 mm का बोल्ट है, ठीक है, कंप्रेशन बोल्ट या लैग बोल्ट, लैग स्क्रू का बोल्ट, लैग बोल्ट में बोल सकते हो। ये है 6.4 mm का रिलोकेशन स्क्रू, ठीक है, और ये है डिजिटल लॉकिंग बोल्ट, ठीक है, 4.9 mm का। ये है DCS डायनेमिक कंटेनर स्क्रू, ठीक है। यह है बैरल, ये वाला जो रोल है, ये तुम्हारा है बैरल, ठीक है, ये है स्लाइडिंग स्क्रू, ये है कंप्रेशन स्क्रू, ठीक है, तीनों अलग अलग चीज़ है। ये बैरल है, स्लाइडिंग स्क्रू, कंप्रेशन स्क्रू, ठीक है, इसको इसमें फंसा जब डाल देते हैं, पहले इसको फिक्स कर देते हैं बोन में, फिर इसको घुसा कर इधर से इसको टाइट करते हैं, तो यह कंप्रेशन देता है, जितना टाइट करेंगे ये अंदर खिंचाते जाएगा, ठीक, इसलिए इसका नाम कंप्रेशन, ठीक है। इसके बाद है फीमर शाफ्ट का, ये है KNL फंक्शनल नेल, ठीक है, ये है उसके बाद तुम्हारा फीमर इंटरमेडुलरी इंटरलॉकिंग नेल, ठीक है, फीमर एंटीरियर बोइंग देखना है तुम लोग को, ठीक है, ऐसा बोर्ड है एंटीरियर बोर्ड, ये हर समय ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद TBNL, ठीक है, TBNL में ध्यान रखना है ये एंगल, अर्जोत एंगल, ठीक है, ये एंगल देखना है। ये है सिंपल TBR IML, और यह है एक्सपर्ट, इसमें ज़्यादा होल्स रहता है, ठीक है, मल्टीप्लेनर पिक्चर शुरू करते हैं, ठीक है। ये हो गया इसका प्लेट, ये है DCS डायनामिक कंप्रेशन, DCP सॉरी डायनामिक कंप्रेशन प्लेट, ठीक है, कोई सेरेशंस नहीं है, सिंपल रहता है, ठीक है। ये है वांटेड ट्यूबुलर, इसमें ट्यूब जैसा रहता है, ठीक है, ट्यूबुलर प्लेट। यह है तुम्हारा डिजिटल TBR प्लेट, ठीक है, लॉकिंग है और LCDCP भी है इसमें, ठीक है, लिमिटेड काउंटर। और यह है मीडियल मैल्युलर प्लेट, इसमें मीडियल मैल्युलर के लिए अलग है। यह तुम्हारा है ऑल, ठीक है, अगर पूछा जाए तो सॉलिड डायमंड शेप ऑल, ठीक है। इसके बाद है रश नेल, ठीक है, सैंड स्पिन सेरेशंस रहते हैं, सैंड स्पिन, ठीक है। इसके बाद है तुम्हारा ये स्क्वायर नेल, स्क्वायर शेप का है यह, ठीक है। इसके बाद है स्टेनमैन पिन, और यह है केवर, दोनों तरफ पॉइंटेड है, सैंड स्पिन सॉरी स्टेनमैन पिन में एक पॉइंटेड है, ठीक है। यह तुम्हारा है कैंसलर स्क्रू, इसमें थ्रेड का स्पेस जो है बहुत बड़ा बड़ा रहता है, ठीक है। यह है पॉर्टिकल स्क्रू, इसमें थ्रेड का साइज देखो, पॉर्टिकल में थ्रेड का साइज कम है, कैंसलर्स में बहुत ज़्यादा है, ये कैंसलर्स बन बहुत सॉफ्ट वोवन होता है, तो इसमें ज़्यादा बड़ा थ्रेड, हाँ, ये छोटा थ्रेड में स्लिप करके कट थ्रू करके निकल जाएगा। ये है तुम्हारा लॉकिंग स्क्रू, ठीक है, लॉकिंग कैंसलर्स, लॉकिंग पॉर्टिकल, ठीक है। कौन सा कैंसलर्स होता है? ये वाला थ्रेड का डिस्टेंस देख कर तुम लोग को पता चल जाएगा, लॉकिंग है, लॉकिंग स्क्रू भी बोल दोगे तो बहुत है तुम लोग के लिए, लोग नहीं पूछेगा, लॉकिंग लॉकिंग पॉर्टिकल है, लॉकिंग वाला कैंसलर से छोटा वाला पॉर्टिकल।